तो दोस्तों हम लोग अमृतसर पहुंच गए हैं और स्टेशन का ये बाहर से सीन इस प्रकार है और हम लोग अब सीधा फ्रेश होके गोल्डन टेम्पल को चलेंगे। और जो अपनी भारतीय रेल का यह अनाउंसमेंट की आवाज़ है, किस किस को पसंद है कमेंट करो जल्दी से। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो बहुत सी देखी होंगी, लेकिन इस वीडियो में जो मैंने कैप्चर किया है, हालांकि आप लोगों को थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा इस वीडियो में क्या मैं दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं जो नाइट का व्यू है गोल्डन टेम्पल और दिन में जो गोल्डन टेम्पल दिखता है इसका व्यू दिखाने जा रहा हूं, और साथ ही साथ में इस मंदिर का इतिहास भी जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं गोल्डन टेम्पल की ओर, और जो आप लोग आसपास दुकानें देख रहे हैं, यहाँ जो गुरुद्वारा से पहले बहुत ही अच्छे मार्केट है, आप जो कुछ भी लेना चाहते हो यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। और जैसे ही यहाँ की मार्केट ख़त्म होती है गुरुद्वारा की तरफ से, तो सबसे पहले आ जाता है कि हम लोगों को जूता चप्पल जमा करने का, तो हम लोग यहाँ पर जूता चप्पल जमा कर देते हैं। और निसंदेह किसी लालच के लोग इतनी तन मन से सेवा करते हैं अपने अतिथि लोगों का। और यहाँ जूता जमा करने के बाद हम लोग चल रहे हैं मंदिर की ओर, और मंदिर जाने से पहले यहाँ पर पैर धुलने की व्यवस्था की गई है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। तू वड़दाता अंतर जामी। मंदिर के चारों तरफ जो पानी का कुंड बना हुआ है उसको अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। पूजा करने से पहले सभी श्रद्धालु सरोवर के पवित्र जल से स्नान करते हैं। सब और सभी श्रद्धालु लोग गुरु साहिब के दर्शन करने के बाद चल रहे लंगर के प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ लंगर चल रहा है, सभी लोग यहाँ आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी, सब में रविया पूरन प्रभ स्वामी, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर। और इस रास्ते के द्वारा जाया जाता है जलियांवाला बाग में। कर कृपा तेरे गुण गावा। मेरे प्रभ प्रीतम नाम अदारा, मेरे प्रभ प्रीतम। यह मंदिर अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। श्री हरमिंदर साहिब जो कि अब स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर है, यह टेंपल सिख लोगों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा होता है। कहते हैं कि सिखों के जो चौथे गुरु रामदास जी थे इसकी नींव रखी थी। और हम लोगों ने रात्रि में दर्शन गुरु साहब के नहीं कर पाए थे, तो इसलिए अब हम लोग दिन में लाइन में लगने जा रहे हैं और यहीं दर्शन करेंगे, फिर गुरुद्वारे में जो लंगर की व्यवस्था की गई वहां प्रसाद ग्रहण करेंगे। और जो गुरुद्वारे में प्रसाद चढ़ता है वो यहाँ पर जो मेन गुरु साहिब का दरबार है यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, आप वहीं टोकन लेंगे, प्रसाद लेने के बाद थोड़ा आगे चार कदम बढ़ेंगे वहीं आपका प्रसाद ले लिया जाएगा और उसी में से प्रसाद आपको दे दिया जाएगा। और हम लोग दर्शन करने के लिए लाइन में लग चुके हैं। बताया जाता है कि इस टेंपल में जो ये गोल्ड यूज किया गया है ये लगभग इसका कुल वजन 500 किलोग्राम से भी अधिक है।
तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन तो हम लोग गुरु साहिब के दरबार में पहुंच चुके हैं और मिलते हैं दर्शन करने के बाद। मन निर्मल होए संता पूरे, मन निर्मल होए संता। तो मैंने फाइनली रूम चेकआउट कर लिया है और अमृतसर का भी टूर हो गया है। अभी जा रहा हूँ बाघा बॉर्डर देखने, उसके बाद सीधा शाहजहाँपुर के ट्रेन पकड़ लूँगा जो कि शाम को है। और ये हमारा रूम है। एंड दोस्तों, आपको ब्लॉग मेरे अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए या ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जम्मू कटरा भी घूम लिया और अमृतसर में गोल्डन टेंपल देख लिया, जलियांवाला बाग भी देख लिया और अब बारी है बाघा बॉर्डर जाने की। सो लेट्स गो।